जी, आपकी कहानी अभी कहाँ तक पहुंची है, न्याय की आप गुहार लगा रही हैं, तो इस पूरे मामले में अभी का डेवलपमेंट ताजा क्या है? अभी अभी जो आप लोग तो सारा हिंदुस्तान देख रही है जा अभी क्या है, क्योंकि मैं मेरा बात तो पूरा हिंदुस्तान को बता रही हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है सब बता रही हूँ। दूसरी तरफ जो सौरभ कंत तिवारी जी मुंह छुपा के बैठा है, वो कोई सवाल का ना जवाब दे सकती है ना वो सच है, क्योंकि वो झूठ है, इसीलिए वो भाग रही है। वो किसी के सामने नहीं आ रही है, ना किसी से बात कर रही है। और वो जो बार बार बोल रही है हनी ट्रैप हुआ है, मेरे साथ ये हुई है, मेरा आने के बाद ही इनको याद आ गया है कि बताइए, सारा हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहती हूँ, जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, आप लोग ही बताइए, जब मैं इंडिया आ गया हूँ उनके पास, इंडिया आने के बाद भी वो मेरे से मिली है 4 तारीख, मैं 3 अगस्त आया हूँ, 4 अगस्त वो मेरे को होटल पे छोड़ के आया, होटल पे वो मेरे साथ गए हैं, बच्चे के साथ भी खेला है, रेस्टोरेंट लेके घुमाया है। तो उसके बाद 5 अगस्त उन्होंने होटल का बिल नहीं दिया, होटल में फंसाने का कोशिश किया, मतलब उसका या शुरू हो गया, मतलब असली रूप आ गया है। अब ये बताइए, जब मैं थाने पर गया हूँ सूरजपुर महिला थाने DCP मैम, उसके बाद जब सब कुछ स्वीकार करने के बाद DCP मैम ने बोल रही है लेके क्यों नहीं जा रही हो, तब भी उनको याद आ गया जो उनके साथ हनी ट्रैप हो रही है। आप बताइए, उसके साथ हनी ट्रैप हो रही है, कहां से हनी ट्रैप हो रही है उनके साथ? लेकिन सोनिया, वो तो पूरी 2017 की कहानी भी गढ़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आई, आपने सुन लिया होगा जरूर वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद वो कहानी है हनी ट्रैप पे जो फंसती चली जा रही है, इस पर आपके वकील की तरफ से क्या आप जवाब दिया जा रहा है, कानूनी तौर पर आप कैसे आगे बढ़ रही हैं सोनिया? देखिए, उनके उनके ऊपर तो बहुत सारा केस लगेगी, मतलब पहले तो क्राइम, दूसरी तो मेरा ज़िंदगी के साथ खेला है, इसके बाद मैं तो उनका बीवी हूँ, उनका एक बेटा भी है, बेटा के तरफ से बहुत सारा कानूनी के जो धारा है ना उनके ऊपर लगेगी, बहुत जल्दी सब कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी सोनिया, आप ये कह रही हैं? अभी तो वो मेरा कैरेक्टर के ऊपर भी उंगली उठा रही है, इसका भी एक कानूनी कार्रवाई करेगी, मेरा वकील ने मेरे को बताया इसका भी कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ नहीं, लेकिन अब तो सौरभ कांत तिवारी ने सामने आना ही बंद कर दिया है सोनिया, आप जब शुरू में आपने अपनी बातें कही थी तब तो वो सामने कैसे आएगी, आप भी बताइए कैसे आएगी? एक झूठ, झूठ कब तक चलेगी आप बताइए ना, आप किसको बुद्धू बना रही हो? सारे दुनिया का लोग आंख है, सब लोग देख रही है, किसको बुद्धू बना रही है? वो तो छुपेगी ना, वो तो मुंह छुपाएगी, क्योंकि उस वो तो सच नहीं है, वो झूठ है। आप बताइए, किस उम्र का आदमी को कोई हनी ट्रैप कर सकती है, जबरदस्ती धर्म अपना सकती है, जबरदस्ती बच्चा पैदा कर सकती है? अरे ये क्या मजाक है, जबरदस्ती सब कुछ उनके साथ इतने जबरदस्ती हुआ है, उसके अंदर उन्होंने इंडिया 2 बार आया है, इंडिया आने के बाद वापस क्यों गया? दूसरी बात, उसका फैमिली गया है बांग्लादेश पे, उसका बच्चा गया है बांग्लादेश पे, जो पहले के वाइफ है वो मेरे से मिली है, और बच्चा को मैंने शॉपिंग करा दिया, बच्चा के साथ मेरा फोटो है, ये हनी ट्रैप है? हनी ट्रैप उसके साथ हुआ है ना मेरे साथ हुआ है? बताइए सोनिया, अब बच्चा पैदा करके छोड़ के आया हो आप, जब मैं बच्चा लेके आ गया हूँ, जब घर लेके जाओ तभी उसको हनी ट्रैप याद आ गया, उसका सारे कुछ याद आ गया है। बच्चा के लिए एक माँ कितनी दूर तक जा सकती है ना, कितनी हद तक जा सकती है ना, ये तो सारा दुनिया देखेगी। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, इस पर कानूनी लड़ाई भी आप जरूर लड़ रही हैं, जो भी सच होगा सबके सामने आ जाएगा। एक नया वीडियो है सोनिया, जिसमें सौरभ कांत तिवारी बेड पर लेटकर जो छोटा बेटा है उसको दुलार कर रहे हैं, आपने कहा कि वो होटल में आने के बाद आपसे मिले हैं यहाँ इंडिया में, क्या वो अभी का वीडियो है या पुराना है सोनिया? ना वो वीडियो पुराना वीडियो, जो बच्चा छोटा है आप लोग तो देख रही है, उस टाइम पे बच्चा का उम्र लगभग 4 महीने, जो वीडियो है ना उसके पापा के साथ, उसका पापा का एक फ़ोन आया है, मैं वीडियो बना रही थी, उसका पापा उसको प्यार कर रही है, तो वो 4 महीने का बच्चा का उम्र जब 4 महीने का है तब का वीडियो है, जो कंपनी क्वार्टर में बांग्लादेश में हम दोनों एक साथ थी तीनों, इंडिया आने के बाद भी वीडियो है, जो होटल पे गया है हम दोनों को रेस्टोरेंट खिलाया, बाबा को लेके बहुत प्यार किया है, बाहर बाबा के पीछे पीछे भाग रही थी, क्योंकि वो जो बाबा को छोड़ के आया हमारा बच्चा अन्नू को, उसका उम्र थी 7 महीने,
अब तो उसको उम्र हो गया 1 साल 3 महीने, तो अभी तो पैदल चलना सीखा है, तो आने के बाद भी उसके साथ खेला है। ये सब जो वो कर रही है, मतलब ये जो कर रही है ना, इसका बीबी के प्रेशर में कर रही है शायद, मुझे लगता है। जो रचना शर्मा है ना, लगता नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है, अचानक से इतना चेंज कोई भी आदमी नहीं हो सकती है। उसको उसके इसके पीछे कोई रीजन है। मैं चाहती हूँ, सारा दुनिया को बताना चाहती हूँ, प्लीज इसका सच्चाई का सामने लेकर आ जाइए, सच का साथ दीजिए। मैं सच हूँ। तो सोनिया, जैसा कि आप कह रही हैं कि अपनी पत्नी के दबाव में ये किया जा रहा है उनकी तरफ से, सौरभ की तरफ से, अब जरा ये बताइए कि आपको शक होना कब शुरू हुआ? उस पत्नी को जाके आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, उस पत्नी को जाके सवाल पूछिए। आपके पति के साथ इतनी हनी ट्रैप हुई है, आप 2 साल से जानती हो, शादी कर लिया, एक बच्चा भी है, आपको पता है, आप खुद उस बच्चा का कपड़ा पैकिंग करके दिया है अटाची भर के बांग्लादेश पे, तब आपको याद नहीं था मेरे पति के साथ हनी ट्रैप हो रही है? आप उसको जाके, जब उसको जाके पूछिए ना, उसको पत्नी को, ये आप भी बांग्लादेश जा चुकी हो 4 बार, तो जब देख रही हो हनी ट्रैप हो रही है, मेरे पति के साथ जबरदस्ती हो रही है, मेरे पति को इतना टॉर्चर हो रही है, तो आप पहली बार क्यों नहीं लेकर आया, 4 बार के बाद क्यों लेकर आया है? जब पति ने उसका दूसरी पत्नी को, उसका बच्चा को इंडिया लेना चाहती है, जब साथ रखना चाहती है, तब भी आपको उसको दे के ऐसा उल्टा सीधा, मतलब कैमरा के सामने खड़ा कर दिया, जब बोलो उल्टा सीधा बोलो, झूठ बोलने से सच्चाई नहीं छुपेगी। सोनिया, ये कितनी पुरानी बात है, आपने अभी कहा कि सौरभ की पत्नी ने बच्चे के लिए खुद कपड़े पैक करके दिए, अटैची लगा के दी, ये कितने वक्त पहले की बात आप बता रही हैं? जी जी, अभी आपने खुद कहा कि सौरभ की पत्नी को आपके बारे में सब कुछ पता था, उन्होंने खुद बच्चे के लिए अटैची पैक करके दी, या अभी आपने बात बताई, तो ये कितनी पुरानी बात है? नहीं, ये तो जब मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने का, तब मेरे हस्बैंड ने बता दिया, जो उसका पत्नी जिंदा है, उसका 2 बेटा है, मैं सुसाइड भी करने गया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को रोका है, देख मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, तेरा हक मैं नहीं यह करूँगी, और दूसरी बात है, वो पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगा है, देख उसके साथ मेरा कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, मैं तेरे को प्रूफ भी दूंगी। हाँ, उन्होंने प्रूफ भी दिया है। और रचना शर्मा उसके बाद, मेरा बच्चा होने के बाद 3 महीने बाद वो गया था बांग्लादेश में, उसको दूसरी कंपनी क्वार्टर में रखा था, उसका एक फ्रेंड का घर में रखा था, लक्ष्मण सिंह रावत के घर में रखा था, और मैं तो उनके साथ उनका कंपनी क्वार्टर में ही थी, तो उसी टाइम पे उसका बच्चा भी गया साथ में, तो उसी टाइम में शाम सुबह रात मेरा पति तो मेरे पास ही थी, ठीक है, तो उस लेडी के साथ अच्छा रिलेशन है, वो मेरा हस्बैंड तो प्रूफ कर दिया उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। लेकिन सोनिया, आप ये बोल रही हैं कि पहले ये प्रूफ कर दिया कि बात नहीं करते, अच्छा रिलेशन नहीं है, वो भी मजबूत थी, सब ठीक थी। अब आप ये कह रही हैं कि अब आपको ये शक है कि उसी जो उनकी पत्नी आप बता रही हैं, उन्हीं के प्रेशर में ये सब कुछ किया गया कि वो आपको छोड़कर चले गए, फिर आपको मजबूरी में भारत आना पड़ गया। रचना शर्मा ही करा रही है, और रचना शर्मा जिसको ना स्कूल से भी 2 बार सस्पेंड कर दिया है, वो गवर्नमेंट टीचर है, वो जो बच्चा का खाने का पैसा आती है ना गवर्नमेंट से, उस पैसा को भी चुराया, वो भी प्रूफ है मेरे पास, उसको सस्पेंड कर दिया था। मेरे हस्बैंड ने मेरे से शेयर किया, देख रचना ने ऐसा हरकतें किया है, क्या कर सी, तेरे को मैंने बताया था ना रचना के बारे में, देख सारे सच्चाई सामने आ रही है ना, मैंने बोला हाँ ये तो सच बोल रही हो तुम। तो उसके बाद मैं भी कंप्लेन किया था, क्योंकि वो 4 बार जाके वो मेरे बच्चे को मारने का कोशिश किया, जो टोटका फोटका किया है वो भी प्रूफ मैंने डीसीपी मैम को दिया है, जो जाके ये सब हरकतें करके आया। उसके बाद तो उन्होंने धमकी भी दिया है, बच्चों को जहर पिला के मार देगी, ये करेगी वो करेगी, बहुत सारा धमकियाँ दिया है रचना शर्मा। मैंने कंप्लेन भी किया था उसके खिलाफ, उस कंप्लेन में भी उन्होंने क्या किया, पैसा दे के उस कंप्लेन को, उसका नौकरी को फिर से बचा लिया। आप जाइए, उसका मैं एड्रेस दे दूंगी, उसको स्कूल पे जाके जांच करिए, रचना शर्मा के बारे में जांच करिए। मैं तो सारे दुनिया के सामने बोलना चाहती हूँ, प्लीज सच्चाई को सामने लेकर आइए, मैं सच बोल रही हूँ, कौन झूठ है कौन सच है ये आप लोग डिसाइड करिए, आप प्लीज जांच करिए। जस्ट सौरभ कंत तिवारी का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ कौन सा कंपनी में क्या क्या करके आया है, कितनी कितनी केस उसके ऊपर है, प्लीज सारा दुनिया, मैंने सारे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इसको आप ढंग से जांच करिए, उसके बारे में आप जांच करिए, उसका पत्नी के बारे में जांच करिए, जो दोनों पति पत्नी मिलके मेरे से, मेरे बच्चे की जिंदगी से खेल रही है। एक छोटा मासूम बच्चा लेके मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इस बच्चे के वजह से आया हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक नहीं चुप रह सकती है, क्योंकि एक माँ एक बच्चा के लिए क्या कर सकती है, सारा दुनिया देखेगी। मैं मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे को
न्याय दिला दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको मेल करके आया बांग्लादेश से, इधर से भी मेल किया है, आप प्लीज मेरे से मिलिए, एक बार मौका दीजिए मेरे सच बोलने का आपके सामने, प्लीज मेरे को मुख्यमंत्री से मिला दीजिए, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है, मैं बच्चा लेके बहुत भटक रही हूँ, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, मेरा बच्चा भी बहुत कमजोर हो गया है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मेरा जान का भी खतरा है, वो मेरे को बहुत धमकी दे रही है, मार देगी मेरे को, मतलब मेरे को रेप करा देगी, कुछ भी करा देगी, बच्चा को मार देगी, हिंदुस्तान से वो क्या है लाश जाएगी बांग्लादेश में, मेरे को बहुत धमकी दे रही है, प्लीज आप लोग मेरे को मदद करिए, प्लीज आप लोग मुझे मदद करिए, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे और आप जो बात करिए उसे आगे भी हम तफसील से सुनेंगे। लेकिन देखिए सोनिया अख्तर ने क्या कहा वो आपने सुन लिया, न्याय की गुहार वो लगा रही है वो आपने सुन लिया। उधर सौरभ कांत तिवारी ने भी सोनिया अख्तर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या वो कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को बोला था आपको झूठे चार्जेसों में फ्रेम करा देंगे और कभी भी बांग्लादेश से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो एक दबाव मेरे मंस में, एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में, मैंने हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश में ये हो सकता है क्योंकि इनके जो समाज इनका वहाँ है, इनके सारे कनेक्शंस वहाँ पे हैं, इनके संगठन काफ़ी स्ट्रांग थे, वकील थे, पुलिस थी, सब इनके साथ में थे, तो एक ये पूरी टीम की तरह काम करते थे ये लोग। तो सौरभ कांत तिवारी को आपने सुना, सोनिया अख्तर जिन पर इल्जाम लगा रहे थे वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया ये मुझे बताइए, क्योंकि इससे पहले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया ये भी सौरभ कांत तिवारी ने आरोप लगाया, अभी जो हमने दर्शकों को सुनाया उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये ब्लैकमेल किया गया कि आप बांग्लादेश से बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं उनका समाज वहां पर बहुत स्ट्रांग है। क्या ये पूरा मामला है, क्या धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बात उस समय हुई थी? इसका जवाब देना चाहती हूँ। आप जो बोल रही है ना, जो मेरा हस्बैंड बोल रही है बांग्लादेश से बाहर जाने नहीं दूंगी, आप एक बात बताइए, ये मजाक का बात नहीं है, जो बांग्लादेश रह के 2-3 बार इंडिया आ चुकी है, उसके बाद 1 महीने 10 दिन 20 दिन रह के वापस क्यों गया बांग्लादेश? बांग्लादेश से आने ही नहीं दूंगी तो आया कैसे हो, इससे पहले कैसे आया बताइए? 24 दिसंबर से पहले 2 साल में तो 3 बार आया है इंडिया, तो उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने रह के फिर बांग्लादेश वापस क्यों गया है? ये मजाक नहीं है, बताइए आप लोग ही बताइए ना। तो सोनिया आगे कैसे गया बताइए, नहीं आगे क्या आप पति पत्नी दोनों के ऊपर केस करेंगी? हाँ हाँ, मैं पति पत्नी अभी दोनों के ऊपर केस करूंगी क्योंकि वो पत्नी के एक लेडी होके, एक माँ होके दूसरी माँ को इतनी तकलीफ दे रही है, एक बच्चा को इतनी तकलीफ दे रही है, इससे ज्यादा घटिया तो दुनिया में कोई नहीं हो सकती है, वो एक औरत नहीं है, उसके नाम पे भी मैं केस ठोकूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चा को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, वो मेरे से मेरे पति को छीन के लेकर आए, वो एक बच्चा से उसको बाप को छीना है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, उसके ऊपर मैं पहले केस ठोकूंगी क्योंकि जितना गलती मेरा हस्बैंड का है उससे ज्यादा गलती वो आप कर रही है, क्योंकि आने के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरे से मिली है, आने के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरे को होटल रूम में जाके गले भी लगा लिया है, दोनों रोया भी है, उसके बाद रचना शर्मा जो हो रही है रचना शर्मा के वजह से हो रही है, मैं सारा दुनिया से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज रचना शर्मा का विचार पहले करिए, उसके बाद तो सौरभ कांत तिवारी तो है ही, दोनों का विचार चाहती हूँ मैं। सोनिया लेकिन आप कह रही हैं कि सौरभ कांत तिवारी कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि हनी ट्रैप उसके साथ कर दिया जाएगा, कोई महिला हनी ट्रैप कर देगी, तो सवाल तो फिर वही बनता है ना कि सौरभ कांत तिवारी अगर आप कह रही हैं छोटा बच्चा नहीं है कि हनी ट्रैप कर दिया जाए तो कोई दूसरी लेडी कैसे कंट्रोल कर रही है, फिर आप रचना शर्मा पर कैसे आरोप लगा रही है, आप कैसे जानती है कि उसके कहने की वजह से सब हो रहा है? नहीं नहीं, रचना शर्मा का ही मैं इसीलिए लगा रही हूँ, देखिए मैं उनको बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मेरा सब कुछ देख रही है, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, देखो दीदी जो किया है मेरा हस्बैंड ने किया है, हम दोनों का पति किया है, इसमें ना बच्चा लोगों का कोई दोष है ना हम दोनों का कोई दोष है, तो आप क्यों ऐसा कर रही हो, आप प्लीज मान लो। और रचना शर्मा, मेरा हस्बैंड ने खुद बताया, एसीबी मैम के उधर जब गया था मेरा हस्बैंड मेरा बाजू में बैठ के बात किया, आप जाके उधर जाके पता लगा सकती है, उधर भी हर जगह सीसी कैमरा है, मेरा हस्बैंड मेरा बाजू में बैठ के बोल रही है सोना मेरे साथ बहुत मार पिटाई हो रही है, घर में मेरे को बहुत प्रेशर कर रही है, रचना जहर पी लेगी, बच्चा दोनों को पिला लेगी, मैं कैसे भी करके तेरे को स्वीकार करूंगी ना, वो लोग मेरे को जिंदा नहीं बचने देगी, तो तू प्लीज
वापस चली जा, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैंने बोला देखो मैंने 8 महीने से आपके लिए वेट किया, मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे भी तो मन है, मेरा भी तो हस्बैंड का जरूरत है, एक बच्चा उसको बाप को नहीं देख रही है, आप प्लीज आप कुछ करो। फिर उन्होंने क्या है, उसके बाद ही वो रचना शर्मा आ गया है सामने, उसके बाद रचना शर्मा इशारा किया है, उसको बुलाया है, धमकाया है आंखों से, उसके बाद चुपचाप से मेरा हस्बैंड चला गया है, क्योंकि रह रही है तो रचना शर्मा के साथ मेरा हस्बैंड का भी तो जान का खतरा है, और रचना शर्मा कुछ भी कर सकती है। सोनिया हमें पूरी उम्मीद है, बिलीव नहीं हो रही है, मैं आपको मेल दिखाऊंगी। देखिए हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी सच होगा अब सामने आ जाएगा, आपको न्याय मिले ये भी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो सोनिया अख्तर को एक तरफ आपने सुना जो कि बांग्लादेश से भारत आई है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत आई है सीमा हैदर। अब सीमा हैदर के बारे में भी आगे चर्चा कर लेते हैं। सीमा हैदर और सचिन के वकील एपी सिंह ग्रेटर नोएडा इस वक्त पहुंचे हुए हैं, रबुपुरा गांव पहुंचे हुए हैं, जहां सीमा हैदर ने एपी सिंह को राखी बांधी है। मानव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मानव क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से सामने आ रही है, दिखाइए। देखिए मैं सीधा तस्वीरें यहाँ से भेज रहा हूँ आपको, तस्वीरों में एपी सिंह दिखाई पड़ेंगे, सीमा हैदर दिखाई पड़ेंगी, और आज बड़ा दिन ये है कि रक्षाबंधन का जी। तो रक्षाबंधन के पहले इस वक्त सीमा हैदर अपने वकील को राखी बांध रही हैं। रक्षाबंधन पे वैसे भी बहन भाई से यही उम्मीद करती है कि हर मुश्किल से बचाएगा भाई उसे। अब इस वक्त सीमा हैदर और सचिन के वकील जो कि वहां पर पहुंचे हुए, तस्वीर भी मानव ने आपको दिखाई कि कैसे सीमा हैदर रक्षाबंधन पर अपने वकील को राखी बांध रही है, एपी सिंह को राखी बांध रही है। इसके अलावा वो कई दूसरे लोगों को जैसे अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, सबको राखी पोस्ट कर चुकी है। लेकिन रक्षाबंधन के पहले इस तरह से वो राखी का त्योहार मनाती हुई दिखाई, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय रंग में रंगी हुई सीमा हैदर इन दिनों बड़ी धूमधाम से दिखाई दे रही है। 15 अगस्त पर भी हमने देखा था कि कैसे उन्होंने तिरंगा लहराया था, अब रक्षाबंधन के पहले सीमा हैदर राखी बांधती हुई और रक्षाबंधन के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। और बिल्कुल एपी सिंह भी इस पूरे मामले में उनका समर्थन करते हुए इससे पहले भी दिखाई दिए थे। एक बार फिर से हम रुक करते हैं रबुपुरा वो गांव जहां पर इस वक्त सीमा हैदर मौजूद हैं, एपी सिंह वहां पर मौजूद हैं। सीमा हैदर अब पूरी तरीके से ये मान चुकी है कि वो भारतीय है, वो इससे पहले गुहार लगा चुकी है गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी, जो बार बार ये कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है कि मैं अवैध तरीके से यहां पर आ गई, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से भारत का सम्मान करती हूं और भारतीय हूं। और पाकिस्तान इस वक्त बेहद खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आवाम को रोजमर्रा चीजों के लिए खासी मुशक्कत करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी में गुस्सा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बढ़ते बिजली के दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में सड़कों पर कैसे जनता उतर गई है, तस्वीरें बयां कर रही हैं बिजली के दामों में बढ़ोतरी। बाकायदा वहां पर अनाउंसमेंट किया गया है कि बिजली का बिल ना भरा जाए, पाकिस्तान के बिजली घरों पर हमले अब किए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही। अब लोग सड़कों पर उतरकर बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने बिजली के बिलों को हाथ में लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर ये देखिए कैसे आग लगा दी इन बिजली के बिलों में। पहले से ही खाने पीने की चीजें इतनी बढ़ी हुई हैं कि लोग उसी का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, हॉस्पिटल का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। अब उसमें बढ़ी हुई बिजली दरें लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा रही है, और लोगों का गुस्सा फिर कैसे फूटा है इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। जो सड़क पर उतरे हैं पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आई हैं, नारेबाजी भी वहां पर कर रहे हैं, नाराजगी भी उनमें बहुत ज्यादा है। ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं जहां बढ़ते बिजली दामों के खिलाफ लोगों का सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को देखने को मिल रहा है। बढ़ते बिजली बिलों और सरकार की तरफ से लगाए गए टैक्स का विरोध करने के लिए पूरे पाकिस्तान में हजारों लोग इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ प्रदर्शन करके गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने हजारों बिजली बिल जला डाले। इसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरों में बिजली घरों पर हमला भी किया गया,
इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में सड़क पर लोग उतर आए। बिजली बिलों को लेकर पाकिस्तान की जनता शनिवार से ही बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रही है। लोगों के गुस्से को देखते हुए केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल को मुद्दे पर चर्चा के लिए रविवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी थी। पाकिस्तान में पीएमओ का एसी बंद करने की तैयारी अब की जा रही है ताकि जहां से खर्च कम किया जा सके वहां से रुपए बचाए जाए। पाकिस्तान में सरकार ने रातों रात बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोगों की नींद तक उड़ गई है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बताया ये गया कि पाकिस्तान में अचानक बिजली के दामों में करीब 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका असर ये हुआ है कि वहां बिजली के दाम प्रति यूनिट 50 रुपए के पार पहुंच गए हैं। पाकिस्तान से एक वीडियो में कुछ लोग बिजली के बिलों में आग लगाकर विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने नेताओं का पुतला तक फूंका और अपना गुस्सा जाहिर किया। ज्यादा बिजली बिल की वजह से पाकिस्तान में आत्महत्या की भी खबरें सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से सड़कों पर जनता उतरी है और ये सड़कों पर जनता का उतर के गुस्सा दिखाना भी लाजमी है, क्योंकि 24 घंटे एक तो बिजली नहीं आती और उसके बाद जब बिजली का बिल आया तो आसमान फाड़ते हुए उसमें रकम दिखाई दी है और इसीलिए गुस्से में आकर इन लोगों ने बिजली के बिलों को आग के हवाले कर दिया और कई नेताओं मंत्रियों का पुतला भी फूंक दिया। एक तरफ महंगाई की मार पाकिस्तान झेल रहा है, वहीं जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है बढ़े हुए बिजली के दामों से। तो पाकिस्तान का हाल तो आपने देख ही लिया। अब ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान जैसा हाल ही उसके कब्जे वाले कश्मीर का भी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बिजली बिल का विरोध कर रहे हैं। वहां की मस्जिदों से सरकार को बिजली बिल नहीं देने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उससे जुड़ी हुई जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहां से अब लोगों को ये कहा जा रहा है, उनसे गुजारिश की जा रही है कि कोई जरूरत नहीं है बिजली का बिल भरने की। दोबारा समाज फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिलात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर यह फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिलात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है तो पहले आप उसको रोकें। और अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और सरकार के होश उड़ गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। यहां के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान के नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि अब वो पंजाब और सिंध नहीं जाएंगे। इन नेताओं का ये कहना है कि पाकिस्तान सरकार करगिल की सड़क खोले, अब गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत के साथ जुड़कर अपनी तरक्की चाहते हैं। तो देखिए विरोध इस कदर बढ़ गया है कि लोगों ने अब भारत के साथ आने तक की बात कह दी है। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध, अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाजा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में डाउट पैदा कर दो, दारुल तांगिर को स्थान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे जाएंगे। आज तक का नहीं कोई आता पता बना कल की बासी खबर, नंबर हेर फेर करके भी न्यूज 18 इंडिया से मीलों पीछे रहा आज तक। टीवी व्यूअरशिप में न्यूज 18 इंडिया आज तक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नेट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गई बल्कि दुनिया भर की उड़ाने प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है।
क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है, और ब्रिटेन का यही सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए। इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने वहां के सभी स्कूलों और कॉलेजों में 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान इस नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए, जिसका मतलब ये कि फ्रांस के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं अबाया पहनकर नहीं जा सकेंगी। अबाया मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का एक पहनावा होता है, जिसमें बुर्के की तरह उनका चेहरा छोड़कर पूरा शरीर ढका होता है। पिछले कई महीने से फ्रांस में स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के अबाया पहनने पर बहस चल रही है, लेकिन फ्रांस के मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने तय किया कि 4 सितंबर से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी मुस्लिम छात्रा को स्कूल और कॉलेज में अबाया पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था, जिसका वहां रहने वाली 50 लाख की मुस्लिम आबादी ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। उधर इसराइल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इसराइल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इसराइल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इसराइल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। इस बीच सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है, और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक है। टेरी गॉ ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंगमेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गॉ उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गॉ ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलअंदाजी का आरोप लगाते रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और इसराइल के रक्षा मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इसराइल के रक्षा मंत्री बेन गुरियन ने एक इंटरव्यू के दौरान इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की वकालत की और दो टूक कह दिया कि इसराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इसराइल के रक्षा मंत्री बेन गुरियन ने अपने देश के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक समेत दूसरे इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया, साथ ही इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और उनके बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई। बेला हदीद के पिता फिलिस्तीनी हैं और अपने पिता की तरह वो खुद भी इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुकी हैं, लेकिन इस बार तो वो सीधे सीधे इसराइल के रक्षा मंत्री से भिड़ गई और उनकी सेना की कार्रवाई पर उन्होंने उंगली उठा दी।